जी अगले कॉलर को ले रहे हैं मुफ्ती अब्दुल्ला साहब। अभी मेरी आवाज आ रही है बॉस? जी आ रही है। एनीवे मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ कि ईद क्यों मनाई जाती है? अभी यही तो बताया हमने इतनी देर, आपने शायद स्कीम सुनी नहीं है हमारी। आप कब, आपने कब ज्वाइन किया? मैंने अभी छोटी सी बात बताई थी आपने, बड़ी नहीं बताई। आधे घंटे से मैंने आपको ज्वाइन किया हुआ है। तो अगर आप स्ट्रीम में पीछे जाकर देखेंगे तो हमने बड़ी तफसील से इसके ऊपर गुफ्तगू की है। मुख्तसर मैं ये बता रहा हूँ कि ईद उल फितर जो जो परसों गुजरी है वो हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि रमजान में हमने 30 दिन या 29 दिन डिपेंडिंग ऑन द लूनर कैलेंडर हमने रोजे रखे हैं, अल्लाह ताला की इबादत की है एक्स्ट्रा। तो उस एक्स्ट्रा इबादत का जो नकद इनाम है वो ये है कि आप ईद उल फितर मनाएं। जी नहीं, मेरा सवाल ये है कि जैसे हम दिवाली मनाते हैं कि भी राम जी आए थे, जो उसका हमारे पूरी डिटेल जय देव साहब उसकी डिटेल बता दी गई। ठीक है, आप दिवाली मनाते हैं इसलिए कि राम देवता आए थे, फिर हम खुश हुए थे इसलिए बताइए। आप खुश हुए थे इसलिए आप दिवाली मनाते, उनके आने का आपको क्या फायदा है जरा मुझे बता दीजिए। फायदा नहीं, आप जो ये मनाते हो आपको क्या फायदा हुआ, आप क्यों खुश होते हो? इसलिए कि हमने एफर्ट किया, हमने मेहनत की है। मेहनत करने के बाद आदमी को अगर सेलिब्रेशन आदमी मेहनत करने के बाद ना करे तो कब करेगा? फिर मेहनत हम करते हैं ना, क्या तो मेहनत करने के बाद आदमी को फिर दावत भी मिलनी चाहिए, वो दावत हमें मिलती है। आप ये बताइए कि राम जी अयोध्या आए उसका आपको क्या फायदा हुआ, आपके ऊपर आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा, आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा? हमारे हम जब रोजा रखते हैं तो हमारी जिंदगी के ऊपर असर पड़ता है, स्पिरिचुअली हम बूस्ट अप हो जाते हैं। आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा है उससे? जी नहीं, एक महीना भूखा रहने से आपको क्या मिल गया? मैं कह रहा हूँ आपकी जिंदगी पर राम जी के अयोध्या आने से क्या असर पड़ा है? क्योंकि देखें, जिसका पेट भरा हुआ हो ना, अगर वो पूछे कि भूखा रहने से क्या मिला है तो वो कभी नहीं समझ सकता कि भूखा रहने से क्या मिल सकता है, क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है। और ये मैं आपको बता दूं, पहले ही मैंने बताया, मुझे ये बताइए कि क्या पेट भरा हुआ होना कमाल है या भूखा रहना कमाल है? बताइए मुझे, दोनों में से क्या क्या चीज कमाल है, परफेक्शन क्या चीज है? क्योंकि मैं उसका जवाब दे दूंगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा, नो डाउट मैं जवाब दूंगा। खुशी क्या थी? मैंने आपसे एक सवाल किया कि पेट भरा होना ये परफेक्शन है या खाना मौजूद है लेकिन अपनी मर्जी से न खाना और अपने आप को भूखा रखना ये परफेक्शन है? मुझे बताइए, मतलब कि एक आदमी भूखा रहे उसे खाने मिल जाए तो उसके लिए ईद हो गई, क्या स्टुपिडिटी है भाई? एक मिनट, मैं सिंपल पूछ रहा हूं, आप जॉब करते हो जाट देवता साहब? आप जॉब करते हो, काम करते हो आप काम कहीं? हाँ, गरीब आदमी हूं मैं। अच्छा, काम वाम नहीं करते, मजदूरी करते हैं आप? बिल्कुल खाली। कोई काम तो करते होंगे ना, खाने पीने के लिए यार कुछ तो? एक महीना में भूखा रह के और फिर मुझे खाने मिल जाए तो मैं ईद मना रहा हूं। सिंपल पूछ रहा हूं आपसे यार, जब सब आप काम करते हो कुछ कहीं ऑफिस में या मजदूरी करते हो, कुछ तो काम करते हो ना आप? अरे गरीब आदमी हूं, किसान आदमी हूं मैं भाई। अच्छा किसान आदमी हूं, चलो ठीक है। तो हल जोत के खेती बाड़ी करके सब फसल काट के ला के जब उसको बेचते हो उधर मंडी में, पैसे मिलते हैं, खुशी होती है? अच्छा नहीं लगता वो पैसे जो मंडी में जाके जो किसान आदमी जो फसल बेचता है फिर उसके पैसे मिलते हैं, अच्छा नहीं लगता आपको? मजा नहीं आता उसका? तो ये ईद हो गई भाई, किसानों की ईद भाई है ना, कि वो फसल जाके मंडी में बेचे उसके उसकी मेहनत का फल सामने है उसके। नहीं आपको पता नहीं, तो 6 बारी बेचता हूँ अपने, मैं तो छह फसल बेचता हूँ, मैं 6 ईद मनाऊ क्या? 6 खुशी 6 मरतबा खुश होते होंगे हमें। मैं तो हर महीने होता हूँ खुश भाई, हर महीने मुझे सैलरी आती है, हर महीने में खुश होता हूँ। समझ लॉजिक, मैं कॉमन सेंस समझा रहा हूँ आपको कि जब भी इंसान कोई मेहनत करता है उसका फल मिलता है, मतलब कोई उसकी खुशी होती है इंसान को। एक मिनट आप बीच में ना बोले, बात सुने जी। यासीन भाई अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। तो मैं कह रहा था कॉमन सेंस है, हर इंसान को पता है कि जब भी कोई इंसान मेहनत करता है और उस मेहनत का उसको फल मिल जाता है तो उसे खुशी महसूस होती है। तो हमने जो है अल्लाह ताला के सामने एक्स्ट्रा हमें इबादत मिली, हमने जो है अपने आप को बूस्टअप किया स्पिरिचुअलिटी, और उसके बाद हमने 30 दिन रोजे रखे, 29 दिन रोजे रखे, हमने मेहनत की, उसका हमें जो है जायजा इनाम मिल गया, तो इसलिए हम खुशी मनाते हैं। बिल्कुल। अच्छा जाट देवता, आप में और जानवर में क्या?
क्या फर्क है? अगर मैं पूरा साल रोजा रखूं तो हर महीने मुझे ईद मनाऊं? आप में और जानवर में क्या फर्क है? जो आप में और मैंने फर्क है, इसका मतलब आप जानवर हैं और हम इंसान हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही है, बस ठीक है, ये बिल्कुल आपने सही एकदम फर्क बयान किया, बिल्कुल 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 एब्सोल्युटली ये सही है, ये इन्होंने मान भी लिया कि ये जानवर है और हम इंसान है। चलो भाई ठीक है, फिर जानवरों से क्या बात करना, ठीक है चलिए भाई, बहुत ठीक है, नहीं पड़ गए, देखे इंसान सिर्फ इंसान आए स्ट्रीम पर, जानवरों के लिए स्ट्रीम अवेलेबल नहीं है जी। अच्छा ये जाट देवता थे, ये जाट देवता थे, अरे ब्राह्मणों के हाथों पर चढ़ जाना, कोई देवता जाटों में पैदा नहीं हुआ। चलिए भाई जाट साहब आप जा सकते हैं क्या भाई ईद के दिन, इसलिए हम अपने मुसलमान भाइयों करते हैं मुफ्ती साहब के समय वगैरह दे दिया करें, दूसरों को भी अच्छा मौका दे सकते हैं, हमारा मसला नहीं है।